नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ प्रॉपर्टी की सप्लाई में कमी, या फिर यूँ कहें कि प्रॉपर्टी के प्राइस में वृद्धि। ये दोनों ही जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, एक के बिना दूसरे का मतलब नहीं है, और जब एक में फ़र्क पड़ता है तो दूसरे में ऑटोमेटिक फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। मतलब ये कि अगर सप्लाई कम है तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है और रेट बढ़ जाता है, और जब सप्लाई ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि डिमांड कम है मार्केट में और रेट उसका कम हो जाता है किसी भी चीज़ का। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी का। तो आज की डेट में आपने मैंने जो भी प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए निकल रहे हैं उन लोगों को ये चीज़ आमूमन, चाहे वो रेंट के लिए प्रॉपर्टी देख रहे हो या परचेज करने के लिए, हम यहाँ पर परचेज के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि परचेज करने आप जब भी निकलेंगे आज की डेट में तो आप जो भी सोसाइटीज़ को देखेंगे कि ये सोसाइटी आपको अच्छी लग रही है, उस सोसाइटी में आपको फ्लैट शायद ही मिलेगा, और मिलेगा तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फ्लोर नहीं मिल सकता है, फेसिंग नहीं मिल सकती है, कंप्रोमाइज़ का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कम चांस है कि आपके शायद थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके आपकी डिमांड पूरी हो पाए जो आपको चीज़ चाहिए है। तो आखिर ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों को लगता है बहुत प्रॉपर्टी खाली है। जो बायर्स आते हैं मार्केट में वो ये कहते हैं कि इतनी सारी प्रॉपर्टी तो पड़ी हुई है, कोई खरीदार नहीं है, बट सत्यता ये नहीं है। आज की डेट में सत्यता ये है कि प्रॉपर्टी मार्केट में नहीं है, प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, और इसकी वजह से ही प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़ गया है। अब प्रॉपर्टी का बढ़ा हुआ रेट आपको समझ में आएगा या नहीं वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं जो 1 साल या 6 महीने पहले प्रॉपर्टी देखने निकले थे और वो किसी भी वजह से प्रॉपर्टी नहीं ले पाए, उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, और वो 6 महीने या 1 साल के बाद दोबारा से मार्केट में प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए निकलते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया, और वो ज़्यादा इतना कि जो प्रॉपर्टी 50 लाख की थी वो 70 से 75 लाख तक पहुंच गई, और जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी वो 1, 25, 30, 35 तक भी पहुंच गई है। ये मैं बात कर रहा हूँ NCR की मार्केट की, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत, इस लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये रेट में चेंजेस आए हैं पिछले 6 महीने और 1 साल के टाइम पीरियड के अंतराल में। तो दोस्तों ये तो हुई समस्या, अब समस्या के पीछे वजह क्या है मैं वो बताने वाला हूं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और ये क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मार्केट में प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है और बायर्स अवेलेबल हैं और उनके मन मुताबिक उनको चीजें नहीं मिल पा रही, उनको प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही है। दोस्तों सबसे पहली जो इसकी वजह है वो ये है, COVID-19, कोरोना काल का जो समय शुरू हुआ मार्च 2020 से इंडिया के अंदर, उसमें हम कहें तो जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज प्रोजेक्ट चल रहे थे, बन रही थी प्रॉपर्टीज, वो बनकर तैयार नहीं हो पाई, जिनको कि 2020 या 21 में डिलीवरी मिलनी थी। इसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट में जो सप्लाई आनी थी, जो प्रॉपर्टी मार्केट में डिलीवर होनी थी, वो 2 साल बिल्कुल ही डिलीवर नहीं हो पाई। उसके बाद आया 2022 का टाइम, उसमें भी कोरोना का थोड़ा बहुत छुटपुट छुटपुट चलता रहा, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के काम में डिस्टरबेंस रहा, लेबर की प्रॉब्लम रही, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो NCR में आप जो भी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि पिछले 3 साल में जहां 10 प्रोजेक्ट डिलीवर होने थे वहां 1 या 2 प्रोजेक्ट डिलीवर हुए होंगे, और वो भी 100% नहीं, 20%, 30%, 50% उन प्रोजेक्ट में जो अपार्टमेंट है उनकी डिलीवरी हो पाई है, पजेशन मिल पाया है, बाकी अभी भी नहीं मिल पाया है, चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हो चाहे किसी और वजह से
बट मैं कहूँ तो 100% उनका भी पोजीशन नहीं मिल पाया। अब जब पोजीशन नहीं मिल पाया तो 3 साल में नॉर्मली बहुत सारे फ्लैट अवेलेबल हो सकते थे, लेकिन वो नहीं हो पाए। तो सबसे पहली वजह है COVID-19 की वजह से जो प्रॉपर्टीज नहीं तैयार हो पाई, जिसकी वजह से सप्लाई में कमी हुई, प्रॉपर्टी की सप्लाई में कमी हुई। अब जब प्रॉपर्टी की सप्लाई में कमी हुई COVID-19 की वजह से, इसका अब एक दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ। इन 3 साल के पीरियड में, मतलब 2020 और 21 में खास तौर पर, जो बायर्स उससे पहले प्रॉपर्टी देख रहे थे खरीदने के लिए, वो भी कहीं प्रॉपर्टी निकल करके देख नहीं पाए। और इस 2 ढाई 3 साल के पीरियड में जो एक नए बायर्स, भाई मार्केट में बायर्स और सेलर्स ये चलते रहते हैं कि प्रॉपर्टी की सप्लाई भी बढ़ी और डिमांड भी बढ़ी। तो डिमांड जो 3 साल में बढ़ती रही धीरे धीरे, जितनी जरूरतें बढ़ती, जितने नए खरीदार आते मार्केट में, वो तो अपने आप आने वाले ही थे। साथ में जो उस टाइम पे लेने वाले थे, जो उस पीरियड में नहीं ले पाए, वो भी हो गए। तो क्या हुआ कि बायर्स हो गए इकट्ठे, एक तो वो जो नए आने वाले थे और एक ऑलरेडी उस टाइम पे जो चल रहे थे, जिसकी वजह से डिमांड तो गई बढ़ और सप्लाई हो गई कम। अब जब डिमांड किसी चीज की बढ़ जाए और सप्लाई हो जाए कम, तो ये बिल्कुल नेचुरल है, इकोनॉमिकल रूल है, इकोनॉमिक्स का ये रूल है कि जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो ऑटोमेटिक रेट बढ़ ही जाएगा। और यही चीज़ इस पे भी लागू होती है कि रेंट के जो फ्लैट थे उनके साथ में भी सेम सिनेरियो हुआ। नई प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं हो पाई, जो अवेलेबल थी उसके हिसाब से डिमांड बढ़ गई। आप मान के चलिए पिछले 3 साल में, बाकी कुछ चीज़ें हुई हो या ना हुई हो, बट जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, जो कहीं पर जैसे कॉलेज के हॉस्टल में या पीजी में कहीं रह रहे थे, अब वो इन 2 3 साल के पीरियड में नए नए आए जॉब में, और उनके लिए अब चाहिए फ्लैट, इसलिए उनको एक रेंट के फ्लैट की जरूरत पड़ी और उनके लिए फ्लैट नहीं। क्यों? क्योंकि ये नई डिमांड बढ़ी बट सप्लाई जस की तस रही, सप्लाई वैसी की वैसी रही, सप्लाई में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यही वजह है कि आज की डेट में ना रेंटल प्रॉपर्टी अवेलेबल है, ना ही सेल के लिए प्रॉपर्टी अवेलेबल है। पूरे NCR की मैं बात कर रहा हूं। ये तो पहले मैंने आपको बताया कि समस्या की ये है कि प्रॉपर्टी की सप्लाई कम हुई है और रेट बढ़े हैं। फिर मैंने बताया कि ये हुआ क्यों है, ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या ये ऐसा ही रहने वाला है या फिर कुछ चेंज होगा। मतलब ये प्रॉपर्टी की सप्लाई बढ़ जाएगी, रेट कुछ कम आएगा, क्या मार्केट गिर जाएगी, क्या मार्केट क्रैश हो जाएगी, तो इसके बारे में मैं बता दूं दोस्तों। क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मार्केट क्रैश होगी, मार्केट एकदम बिगड़ जाएगी और रेट बहुत गिर जाएंगे, तो दोस्तों ये बिल्कुल मिथ है, बिल्कुल भ्रम है। इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें कि प्रॉपर्टी के रेट कम हो जाएंगे और उस कम हुए रेट पे आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, ये कभी भी नहीं होगा। क्योंकि जब से रेरा आया है, रेरा की भी कुछ अपनी टर्म्स ऑफ कंडीशन है, साथ में सरकार भी रियल एस्टेट को लेकर के काफ़ी सीरियस हो चुकी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बायर्स को, तो उनके हित की रक्षा करने के लिए सरकार और रेरा जो दोनों के दोनों वचनबद्ध हैं। आप देख रहे होंगे पिछले 2 3 साल में, जो कोरोना के बाद का टाइम अगर हम कहें, जब आया, या मैं कोरोना के टाइम से कहूँ, तो जो छोटे मोटे उससे पहले की टाइम देखें, तो छोटे मोटे कोई भी डीलर भी उठ करके 2 3 लोगों का ग्रुप बनाया और वो बिल्डर बन गए। आज की डेट में जो डिलीवरी कर सकता है प्रोजेक्ट की, उन्हीं लोगों में इतनी हिम्मत है कि वो प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सके, वरना आज की डेट में किसी में भी ये हिम्मत नहीं है कि प्रोजेक्ट को लेके आ जाओ और फंस जाओ। क्योंकि पैसा तो उनका शुरू में फंसता ही फंसता है बिल्डर का, बाद में भले ही वो लोन ले लें या प्रोजेक्ट को बेच दें जिससे कि पैसे आ जाएं। तो आज की डेट में नए प्रोजेक्ट नहीं आ रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हो कि सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये भूल जाइए, लिमिटेड प्रोजेक्ट ही आएंगे और वही प्रोजेक्ट ला पाएंगे जिनमें दम होगी उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने की। इसलिए जिन लोगों को
प्रॉपर्टी खरीदनी है वो सही रेट में सही चीज मिले तो बिल्कुल खरीद लें। बिल्कुल भी ये वेट ना करें कि एक मौका आएगा या वक्त आएगा कि आपको दोबारा सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाएगी। जितनी प्रॉपर्टी गिरनी थी वो टाइम निकल चुका है, अब ये रेट थमने वाला नहीं है, कम से कम 5 से 10 साल के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ 5 साल तक अच्छा रेट बढ़ेगा, 5 साल के बाद थोड़ा कम रेट बढ़े वो तो हो सकता है, बट ये जो 2-3 साल का पीरियड का गैप हुआ है प्रॉपर्टी नई सप्लाई में वो कवर अप होने में कम से कम 8-10 साल लग ही जाएंगे। तो दोस्तों प्रॉपर्टी जो भी समझ में आए जो भी पसंद आए वो ले लीजिए, रेट का इंतजार मत करना। बाकी आप खुद भी समझदार हैं, एनालाइज कर लीजिए मार्केट को, आपको ये समझ में आ जाए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इन्हें लाइक कर सकते हैं और बाकी लोगों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।